गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। और बेसिकली हम लोग लेक्चर में देख रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में स्टार्ट कर चुके थे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम लोग डिटोनेशन देख चुके थे और उसके कुछ फैक्टर्स हम लोग लिखे हुए थे। तो फर्स्ट फैक्टर था उसमें साइज का, और सबका एग्जाम्पल आज के हम लोग लेक्चर में देख पाएंगे। फर्स्ट फैक्टर था साइज का, साइज के साथ रिलेशन क्या था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड फैक्टर था जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रिलेशन क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक फैक्टर और भी लिखे हुए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसमें बस मैंने एक पॉइंट लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का एलिमेंट होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू लोएस्ट रहता है या मिनिमम, इन सम केसेस पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकता है, वो देखेंगे अभी हम लोग एग्जांपल में। जस्ट अभी एग्जांपल ही स्टार्ट कर रहे हैं उसके। अब यहाँ पे एग्जांपल में अगर देखोगे इस केस में, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। तो नॉर्मली अगर देखोगे इसमें यहाँ पे है, तो फिर हम अगर सिर्फ साइज से इसको अगर रिलेट करें यहाँ पे हम लोग, तो सिर्फ साइज के साथ अगर रिलेट करते हो तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो साइज क्या होगा इसमें यहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा इसमें इंक्रीज करेगा। बट और भी कुछ फैक्टर है सिर्फ, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिखा हुआ है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वाला भी फैक्टर काम करेगा, तो सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी लिखना रहेगा। तो नियॉन के लिए क्या जाता है यहाँ पे 2H2 2P6, वाटर मोस्ट लिख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे 2H2 2P5, ये सब हर कोई खुद से लिख सकते हो यहाँ पे 2H2 2P4। अब यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे कि सर इसको ऊपर क्यों लिखना है, यहाँ पे स्पेस कम है 2H2 2P3, कार्बन का क्या जाता है यहाँ पे 2H2 2P2, बोरन का क्या जाता है यहाँ पे 2H2 2P1, बेरिलियम का 2H2 और लिथियम का सिर्फ 2S1। अब यहाँ पे चेक करना था इस केस में, पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी फुल फील्ड या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन उसी को हम लोग क्या बोलना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो किस केस में आ रहा है तुम्हें? एक तो नियॉन फुल फील्ड है, इसके अलावा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या आ रहा है यहाँ पे हाफ फील्ड 2P3 आ रहा है, इसमें जो यहाँ पे पॉइंट जो रहेगा इसमें एक नियॉन फुल फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, और एक कौन और फुल फील्ड की पता है यहाँ पे बेरिलियम, तो पहले क्लास में कर चुके हैं आयनाइजेशन एनर्जी वाले केस में। तो नियॉन, नाइट्रोजन एंड बेरिलियम ये कैसे करता है यहाँ पे फुल फील्ड और ये नाइट्रोजन हाफ फील्ड। अब इस केस में देखना है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू ऑर्डर रहेगा यहाँ पे, और जब भी हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है एक्जोथर्मिक, उसी में एनर्जी रिलीज होता है, बाकी का जो रहेगा वो क्या रहेगा एंडोथर्मिक। इसमें हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट की बात करें यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट का ही रहेगा यहाँ पे। अब इस केस में देखना है यहाँ पे ध्यान से देखोगे इसमें कंसेप्ट क्या था यहाँ पे है कि जिस भी एलिमेंट को रैंडम से एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट देख लो इसको सिर्फ यहाँ पे है, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा यहाँ पे, जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाएगा तो ये क्या बन रहा था यहाँ पे ए माइनस, और ये गैसियस फेज में ले रहे थे हम लोग। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है यहाँ पे इसी को हम लोग क्या बोलते थे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये सोचना कि नेगेटिव में जितना ज्यादा वैल्यू रिलीज होगा, ये नेगेटिव में जितना ज्यादा वैल्यू आएगा दैट इज एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो नेगेटिव में जितना ज्यादा वैल्यू होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस एलिमेंट का सबसे ज्यादा है। तो इस नेगेटिव साइन याद रखना है यहाँ पे कि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा एक इलेक्ट्रॉन को एड करने में, हम लोग बोलेंगे उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी है वो सबसे ज्यादा रहेगा यहाँ पे। इस केस में हम लोग चेक करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन सबसे एड इजिली किसमें एड होना चाहेगा, यहाँ पे देखना कि फ्लोरीन, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन इजिली एड होना चाहेगा, क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन एड होगा यहाँ पे है
ये एक इलेक्ट्रॉन एड होने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन को ऑप्टेन कर पाएगा यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू रहता है सबसे ज्यादा क्लोरीन में, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो रहा है उसी में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो, और जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा क्लोरीन। उसके बाद फिर क्या आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, ये क्या आ जाएगा 2H2 2P4, दैट मींस हाफ फील्ड फुल फील्ड कुछ भी नहीं था, देन क्या रहेगा इसमें ऑक्सीजन। अब देख रहे हैं कि नाइट्रोजन भी क्या आ रहा है यहाँ पे है, ये हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड नहीं होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड नहीं हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम, ध्यान से देखोगे यहाँ पे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो रहा है उसके लिए जो एनर्जी आएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन, दैट मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, वो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा नेगेटिव में जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड होगा, और हम लोग उसी चीज को चेक भी कर रहे हैं। तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन इजिली एड नहीं होगा, इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, मिनिमम रहेगा, या इन सम केसेस वो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नेगेटिव ना ला करके पॉजिटिव भी आ सकता है वो। तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन बोरन, देन लिथियम। अब इसके बाद देखना यहाँ पे बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन। तो नाइट्रोजन आ रहा है यहाँ पे हाफ फील्ड आ रहा है, तो नाइट्रोजन अगर हाफ फील्ड आ रहा है एज कम्पेयर टू बेरिलियम एंड नियॉन इसमें इलेक्ट्रॉन एड हो पाएगा इजिली, देन नाइट्रोजन, देन बेरिलियम, और सबसे लास्ट में यहाँ पे नियॉन। नियॉन इलेक्ट्रॉन एड ही नहीं होना चाहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये कम्प्लीटली फुलफिल्ड आ रहा है, इनर्ट गैस है, फिर भी चाहते हैं कि नियॉन में भी इलेक्ट्रॉन एड हो, उस केस में जो एनर्जी होता है रिलीज ना होकर के एनर्जी मुझे बाहर से देना होगा, दैट मीन्स वो कौन सा एनर्जी अगर बाहर से दे रहे हैं तो डेल एच वैल्यू क्या आएगा वहां पे पॉजिटिव। तो जो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्पेशली इनर्ट गैस उसमें जब इलेक्ट्रॉन को एड किया जाता है तो उसमें एनर्जी रिलीज ना होकर के क्या होता है एनर्जी रिक्वायर्ड ही होता है, उसमें एनर्जी देना ही पड़ेगा, दैट मींस। और नेगेटिव साइन दैट मींस ये जो वैल्यू आएगा नियॉन के लिए वो काफी कम रहता है, इवन पॉजिटिव रहता है, दैट मींस इसको हम लास्ट में रखना है यहाँ पे ऑर्डर, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको एक बार नोट भी करो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर रहता है यहाँ पे। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो रहा है उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम रहेगा, सिंपल सा लॉजिक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड नहीं हो रहा है उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू कम रहेगा। हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे थे सर? जो फिर नियॉन के लिए हम वो कह सकते हैं ना सर कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 जैसा करेगा, क्योंकि उसमें जो हीट सॉरी जो एनर्जी रिलीज होगी सर वो एनर्जी एक्सोथर्मिक नहीं होगी, एंडोथर्मिक। इसमें एनर्जी रिलीज होता ही नहीं तो वो क्या रहेगा एंडोथर्मिक बोलते हैं, एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड ही होता है इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं। इसमें एनर्जी जो हम लोग किसकी बात करते हैं नेगेटिव साइन, जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू सबसे ज्यादा, बस ये पॉइंट याद रखना है। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी किसमें रिलीज होगा ज्यादा, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड होगा उसके लिए एनर्जी जो आएगा वहां पर वो सबसे ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन किसमें इजिली एड हो रहा है, क्लोरीन में, इसके लिए जो निगेटिव में वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो सबसे ज्यादा रहेगा यहाँ, हम लोग विथ निगेटिव साइन बात करते हैं। यस सर, थैंक यू। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो रहा है उसी में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा है। बिल्कुल, ये क्या रहेगा हर एक पीरियड के लिए वैलिड रहेगा यहाँ पे है।
हमने सेकंड पीरियड के लिए लिया है, ये थर्ड पीरियड का भी अगर रहेगा उसके लिए भी वैलिड रहेगा, इसी टाइप से चेक करना है उसमें। वहाँ पे इसमें कम किसका हो रहा है, यहाँ पे है बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन का। नियोन का कम्प्लीटली फुलफिल रहता है, दैट मीन्स में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी एड नहीं होना चाहेगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगा ही नहीं, इसमें इवन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट मीन्स ये ऑर्डर में सबसे पीछे आ रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो हम लोग एक पीरियड की बात कर रहे थे, अब किसी ग्रुप की अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, किसी ग्रुप की अगर बात करते हैं एग्जांपल इस टाइप से अगर हो, तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, क्लोरीन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, देख लो उसके बाद कॉपी करोगे यहाँ पे। तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होना चाहिए यहाँ पे, साइज के अकॉर्डिंग, साइज के साथ अगर इसको रिलेट करोगे, क्लोरीन, क्लोरीन का। बट यहाँ पे देखना कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस केस में एक एक्सेप्शन भी रहता है, उसका रीजन देखेंगे क्या रहेगा, सिंपली साइज के साथ अगर रिलेट करते हैं यहाँ पे। अब इस केस में देखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में यही वन ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकन, बोरन, एल्युमिनियम, इस टाइप का कुछ भी आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखना है कि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ये किस पीरियड का एलिमेंट आ रहा है तुम्हारा, इसमें सेकेंड पीरियड का, और ये क्या रहा था इसमें थर्ड पीरियड का एलिमेंट। अब यहाँ पे चेक करना है कि नॉर्मली होना क्या चाहिए था क्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट इस केस में यहाँ पे जो रहता है थर्ड पीरियड एलिमेंट का, सेकेंड पीरियड एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा हो पाता है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर में लिख देता हूँ, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं अभी हम लोग इसको। इसमें क्लोरीन सबसे ज्यादा, क्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब इसका रीजन देखना है यहाँ पे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज किसका स्मॉल रहेगा, क्लोरीन का साइज क्या होता है इसमें स्मॉल एज कम्पेयर टू क्लोरीन, इस टाइप पे देखोगे यहाँ पे। ये क्लोरीन अगर आ रहा है इसमें, क्लोरीन की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, तो क्लोरीन का साइज क्या होगा इसमें लार्ज। अब देखना कि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, अगर फ्लोरीन का कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो सिंपली क्या रहा था 1s2 2s2 2p5, कोई 2d तो होता नहीं है यहाँ पे, जबकि क्लोरीन में क्या रहेगा यहाँ पे तुम्हारा 3d वैकेंट होता है यहाँ पे, और साइज भी इसका लार्ज है यहाँ पे, इसमें जो भी ऑर्बिटल है, जो भी 1s2s2p, वो क्या रहा था उसमें हर एक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे क्या होगा इस केस में 3d इसका वैकेंट होता है इस केस में। और जब 3d वैकेंट है, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कि जो फ्लोरीन है स्मॉल साइज होने के चलते इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऊपर लिखता हूँ इसमें यहाँ पे, इसके लिए क्या रहता है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फ्लोरीन, जबकि क्लोरीन में क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम का मतलब इसके पास जो ऑर्बिटल है 3d वो वैकेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दैट मींस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन केस ऑफ क्लोरीन। और जब क्लोरीन में लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है यहाँ पे है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन एड होगा क्लोरीन वाले केस में, इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस केस में इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो पाता है। फ्लोरीन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका ज्यादा है फ्लोरीन का, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन का ज्यादा अगर आ रहा है यहाँ पे, इसमें जब इलेक्ट्रॉन एड होगा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और जो इलेक्ट्रॉन एड हो रहा है उसके बीच में क्या होगा मोर रिपल्सन, और अगर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है इस केस में, दैट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन इजिली किसमें एड होगा इन केस ऑफ क्लोरीन, और जब क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो रहा है इस केस में यहाँ पे है, That means, इसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रहेगा यहाँ पे। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे
कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होता है क्योंकि इसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसमें क्या रहता है 3D वैकेंट है, लार्ज साइज है इसमें, इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो एज कम्पेयर टू फ्लोरीन कम हो पाता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, इसका मीनिंग क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली आकर के एड हो पाएगा क्लोरीन में, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली आकर के एड होता है उसी का तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा ज्यादा, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो पा रहा है, और ज्यादा का एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट मींस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू सबसे ज्यादा यहाँ पे है। इसमें जो एक्सेप्शन आता है सिर्फ फ्लोरिन और क्लोरिन में, बाकी ब्रोमिन आयोडीन एनिटी रहेगा उसमें जो साइज के साथ रिलेशन था, और इसका भी रीजन क्या था मैंने एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे, तुम लोग कुछ लिख लोगे कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसका रिपल्सन ज्यादा होगा और इसमें लेस रिपल्सन, जिसके चलते ये ऑर्डर आ पाता है यहाँ पे। और ऐसा ही सेम रीजन अगर हम लोग सल्फर ऑक्सीजन की बात करें तो अभी सेम रीजन रहा था इस केस में, बट इसमें कुछ और भी एक्सेप्शन आ जाते हैं, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम भी रहता है इस केस में यहाँ पे है। इस केस की अगर बात करते हैं यहाँ पे है, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम, तो सल्फर का तो ज्यादा होता है, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे है। सल्फर का तो ऑक्सीजन से ज्यादा होगा ही, बट इसमें जो सेलेनियम और टेल्यूरियम होता है उसका भी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर आता है ऑक्सीजन फैमिली के लिए 16th ग्रुप के लिए जो यहाँ पे ऑर्डर रहेगा वो क्या जाता है सल्फर का सबसे ज्यादा। मेनली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सल्फर और ऑक्सीजन में सल्फर का क्यों ज्यादा होता है, तो सेम रीजन यहाँ पे, सल्फर 38 का एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होता है वहां पे, दैट मींस इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो पाएगा इन केस ऑफ सल्फर, और ऑक्सीजन में इजिली इलेक्ट्रॉन एड नहीं होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये। और बाकी ये इसमें सिर्फ फ्लोरिन क्लोरिन में चेंज आता है यहाँ पे, जबकि इस केस में और भी एक्सेप्शन आ जाता है, ऑक्सीजन का सबसे लास्ट में आ जाता है यहाँ पे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को याद रखना। बाकी इसमें फास्फोरस नाइट्रोजन की बात करें हम लोग यहाँ पे है, तो फास्फोरस और नाइट्रोजन में भी किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा रहेगा, फास्फोरस का, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो जाएगा, इसमें लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है, ऑर्डर ये आ जाता है। कार्बन सिलिकॉन की बात करें तो यहाँ भी क्या होगा, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा, एंड देन बोरन एल्यूमिनियम में भी का ज्यादा आ जाएगा बोरन से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे ज्यादा किसका रहेगा क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बाकी इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें और भी एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे। तो ग्रुप में हम लोग इन जनरल क्या बात करते हैं यहाँ पे है, टॉप टू बॉटम जाता है यहाँ पे है, तो साइज क्या होता है इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए था इसमें, अपवर्ड इंक्रीज करना चाहिए इसमें, और कर भी रहा, बट क्लोरीन का यहाँ पे एज एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट है इसको अलग से याद रखना है यहाँ पे। चलो कॉपी करो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछोगे। और नोबल गैस के लिए अगर देखोगे तो नोबल गैस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं रहता, उसमें नॉर्मल जो रहता है वहां पे है, इसमें बोझ हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन के लिए अगर देखते हैं तो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रहता, साइज के साथ सिंपली उसको रिलेट करते हैं वहां पे। यहाँ पे एक कंक्लूजन लोग ऊपर वाले एग्जाम्पल बेसिस पे बता सकते थे कि रेस्पेक्टिव पीरियड में किस एलिमेंट का सबसे ज्यादा आ रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बता सकते हो सोच के? आई कैन रिपीट द क्वेश्चन। सही है, समझे कि सेकंड पीरियड का, तो सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा किसका हो रहा है क्लोरीन का, थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा किसका रहा था क्लोरीन का, फिर फोर्थ पीरियड में ब्रोमीन का, तो अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में जो हेलोजन एलिमेंट होता है, हेलोजन एटम है, उसका सबसे ज्यादा रहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको भी एक याद रखना था यहाँ पर।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ग्रेटर क्यों होता है वहां, उसका रीजन सिंपली याद रखना है कि लार्ज साइज होने के चलते क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होने से इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड हो पाता है, लेस रिपल्सन होगा, और लेस रिपल्सन से मीनिंग क्या है, इसमें इजिली इलेक्ट्रॉन एड हो पाता है जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली एड नहीं हो पाता है। वही सेम रीजन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस सब क्लियर है वहां पर। सर तो पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन रहेगा ना? अब ये बोल इस केस में जैसे कि रहेगा यहाँ पे तो कम पॉइंट लिखे में पूरे टेबल में क्लोरीन का सबसे ज्यादा रहेगा। पॉइंट नो लिखते हैं अभी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा। चलो ऊपर रेज करता हूँ, आप इसको कॉपी कर चुके होंगे सब लोग। सर हाँ बताओ सर, ऑक्सीजन का एक बार वापस बता सकते हो क्या? यहाँ पे देखना है कि ऑक्सीजन सल्फर, सिर्फ हम लोग सल्फर और ऑक्सीजन में कंपेयर कर रहे हैं, तो सल्फर ऑक्सीजन में यहाँ पे इसमें डाउट है या ऊपर वाले क्वेश्चन में? सर वो एसी और टी उसके पहले क्यों आता है वो डाउट है। ये एसी और टी से पहले क्यों आता है, इसका उस अलग से स्पेसिफिक ये डाटा बेस्ड मैंने बताया था कि एज एक्सेप्शन मैंने वो सल्फर और ऑक्सीजन में कंपेयर कर रहा है यहाँ पे, तो सल्फर और ऑक्सीजन में क्या रहा था इस केस में, सल्फर का लोग प्रॉपर रीजन ये सेम रीजन बता सकते हैं सल्फर और ऑक्सीजन में, बाकी सेलेनियम एंड टेलुरियम एक्सेप्शन केस है क्योंकि यहाँ पर देखोगे किस केस में ये तो नॉर्मली फॉलो कर रहा था साइज को, सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन में चेंज हो रहा था, बाकी ब्रोमीन आयोडीन ये लास्ट में आ रहा था, यहाँ पे सेलेनियम और टेलुरियम आगे आ जा रहा है, इसको एज ए एक्सेप्शन याद रखना था यहाँ पे कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है वो सिर्फ टेलुरियम का मोर हो जाता है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, यहीं पे ये 17th ग्रुप में अलग ऑर्डर आ रहा है, 16th ग्रुप में ऑर्डर अलग रहा था यहाँ पे, मेनली इसमें सल्फर ऑक्सीजन नहीं पूछा जाता है, जनरली एक्सेप्शन केस आता नहीं, फिर भी अगर कहीं आता है तो ये याद रखना रहेगा तुम्हें यहाँ पे कि सेलेनियम टेलुरियम का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाता है, तो सल्फर ऑक्सीजन में कंपेयर कर सकते हैं, बाकी इस दोनों को याद रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे ब्रोमीन आयोडीन ये यहाँ पे लास्ट में आ रहा था, ये तो नॉर्मल जो ट्रेंड था उसी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट कॉपी भी करते हैं कि जो हेलोजन एटम रहेगा उसका अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू सबसे ज्यादा रहता है वहां पे, हेलोजन हैव द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, तो जो भी हेलोजन एटम होगा अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा रहेगा वो, जो कि हम लोग देख भी पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन जो रहेगा इसके भी पॉइंट लिख सकते हो, जो क्लोरीन एटम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रहता है, यहाँ पे सीएल है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन होल पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा किसका वैल्यू रहेगा, क्लोरीन का, जो कि देख भी पा रहे हैं भाई यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस, उसको सोचना रहेगा वहां पर।
यहाँ पे कार्बन सिलिकॉन फास्फोरस एंड नाइट्रोजन, इसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। जो लोग नोट कर चुके हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बताओगे, कार्बन सिलिकॉन फास्फोरस नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या रहेगा। यहाँ पे मैंने अभी बताया भी था, जिनका भी डाउट है कि सल्फर और ऑक्सीजन हम लोग कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मींस सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड में कंपेयर कर पा रहा है। बाकी का जो आ रहा है इसमें नॉर्मल टेन था, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बाकी यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन का हम लोग बता सकते हैं, सल्फर का ऑक्सीजन से ग्रेटर होगा, बाकी सेलेनियम एंड टेलुरियम का डायरेक्टली यहाँ पे याद रखना था। इसमें ऑर्डर क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, बता सकते हो सिंपली अनम्यूट करके बताओ यहाँ पे ऑर्डर क्या रहा है, कुछ लोग चैट बॉक्स में से बताए हो। सिलिकॉन कार्बन फास्फोरस नाइट्रोजन, ये क्या रहेगा यहाँ पे सही है, वैसे ऑर्डर क्या रहेगा सिलिकॉन कार्बन, क्योंकि फास्फोरस नाइट्रोजन क्या होता है हाफ फील्ड होता है, तो फास्फोरस नाइट्रोजन दोनों का हाफ फील्ड आ रहा है, तो दोनों का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होगा वो क्या रहेगा लेस ही रहेगा, दैट मीन सिलिकॉन कार्बन दोनों का ज्यादा रहेगा फास्फोरस एंड नाइट्रोजन से, क्योंकि कोई हाफ फील्ड फुल फील्ड नहीं आ रहा है। और फास्फोरस नाइट्रोजन में कंपेयर करें तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे, तो फास्फोरस नाइट्रोजन की दोनों में हाफ फील्ड होता है और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन स्टेबल होता है, और जो भी स्टेबल रहेगा वहां पे है उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू गिराना है यहाँ पे। ऐसा एक क्वेश्चन और अगर यहाँ पे हम लोग करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी में फास्फोरस इस चारों में ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पर, सेम टाइप का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन सल्फर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, तो देखते हैं कुछ लोग चैट बॉक्स में बता भी रहा हूँ, इसमें ऑर्डर क्या जाता है यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका रहेगा इस चारों में, सल्फर, सही बिल्कुल क्या रहेगा सल्फर का, देन ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट्रोजन फास्फोरस डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इस दोनों का लेस ही रहेगा, बाकी इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या रहेगा फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ऐसा क्वेश्चन जब आता है उसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो हाफ फील्ड है उसका तो लेस ही होना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट नोट करोगे यहाँ पे, और पॉइंट यहाँ पे ये है कि जिसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ग्रेटर है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा इजिली एड हो पाता, इजिली एनायन का पार्ट कर पाएगा। यहीं पे एक पॉइंट कॉपी करना था तुम लोगों को, एलिमेंट्स विथ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एलिमेंट्स विथ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इजिली फॉर्म्स एन आयन, जिस भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हाई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हाई होने का मतलब क्या है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो वैल्यू ज्यादा है, ये पॉइंट याद रखना यहाँ पे। और जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन इजिली आकर के एड हो पाएगा, वो इजिली एनायन का फॉर्मेशन कर पाएगा,
इसमें कभी कभी क्या करता है लैंग्वेज चेंज कर देता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली ना पूछ करके उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इजीली फॉर्म्स एन आयन। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इजीली फॉर्म्स एन आयन, एन आयन का फॉर्मेशन इजीली कौन करेगा, दैट मीन जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली एड हो रहा है तो इनडायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ही पूछ रहा है यहाँ पे। क्लियर है ये पॉइंट्स आपको? क्लियर है सर? नहीं समझ। देखो ये पॉइंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्स विद हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हाई होगा वो क्या होगा इजीली एनायन का फॉर्मेशन करेगा, एनायन का फॉर्मेशन उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली एड हो रहा है वहां पे। हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में करते क्या थे, इलेक्ट्रॉन को एड ही तो करते थे यहाँ पे। अब ये पूछा गया कि सल्फर ऑक्सीजन फॉस्फोरस नाइट्रोजन, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू किसका ज्यादा है, सल्फर का। सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा होने से क्या मीनिंग है वहां पे, इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली एड हो रहा होगा। क्लियर है वहां पर? जब इलेक्ट्रॉन इजीली एड होगा दैट मींस वो एनायन का फॉर्मेशन इजीली कर पाएगा। ये भी लैंग्वेज चेंज करके इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट एनायन का फॉर्मेशन इजीली करेगा जिसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ग्रेटर होगा। यस सर, थैंक यू सर। तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लो इसमें, इसको कॉपी करो पहले जल्दी से। अब यहाँ पे अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इसको रिलेट करें यहाँ पे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विथ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, इस टाइप से लिख सकते हो इसको यहाँ पे, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विथ सेम मैग्नीट्यूड। देखते हैं इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विथ सेम मैग्नीट्यूड, डेल एच ई जी के प्लस इक्वल टू आई ई के। अब इसका मीनिंग है कि आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते थे किसी भी एटम से, यहाँ पे क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक इलेक्ट्रॉन एड कर रहे होते हैं, तो प्रोसेस जो है एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इसमें वैल्यू भी जो रहता है आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद सेम मैग्नीट्यूड। तो जो मैग्नीट्यूड वाइज जो वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा, बट सिर्फ साइन अपोजिट हो जाता है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे इसमें। अब यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है डेल एच ई जी के प्लस, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ई जी फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी वर्ड यूज करो या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो के प्लस में एक इलेक्ट्रॉन एड करने में जो एनर्जी रिलीज होगा उतना ही एनर्जी के एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आएगा। ध्यान से देखो इस इक्वेशन का मीनिंग यहाँ, के प्लस डेल एच ई जी प्लस, इसका मीनिंग क्या है, के प्लस में एक इलेक्ट्रॉन एड करने में जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना ही एनर्जी के से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आएगा, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, सिर्फ साइन अपोजिट रहेगा। साइन क्यों अपोजिट हो रहा है, क्योंकि एक में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है और एक में एनर्जी रिलीज हो रहा होता है यहाँ पे, दैट मीन्स साइन अपोजिट रहेगा, आपकी वैल्यू जो रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम रहेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको भी याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ कैसे रिलेट कर पाते हैं यहाँ पे। हाँ बताओ सर, ये सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैलिड होगा? बिल्कुल, हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं, सेकंड की बात नहीं करते, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि सेकंड की बात करें तो फिर क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, कभी भी हम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात नहीं करते, मेनली किसकी बात करेंगे
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ही हम लोग जो भी हम लोग ऑर्डर लिख रहे हैं ये सब किसकी बात पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट का ही सेकंड का कहीं हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ही बात कर रहे हैं यहाँ पर सर। हाँ बताओ सर वो डेल्टा डेल एच में सर इलेक्ट्रॉन के का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो इक्वल होगी ना। हाँ बिल्कुल सिंपल सा है कि k प्लस डेल एच इजी का मीनिंग क्या है कि k प्लस में जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसमें क्या होता है एनर्जी रिलीज हो रहा होता है तो जो एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पे उतना ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगा k प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कैसे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में यहाँ पे तो आयोनाइज एनर्जी ऑफ के दैट मीन्स कैसे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उतना ही एनर्जी इसमें से रिलीज हो रहा होगा और एक में एनर्जी रिलीज हो रहा है और एक में रिक्वायर्ड है दैट मीन्स नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे। यस सर थैंक यू सर। बाकी लोग चैट बॉक्स में कुछ पूछ रहे हो तो कोशिश करो इसमें। अभी क्वेश्चन आ रहा है सर आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या नेगेटिव होता है? नहीं उसमें जो भी रहेगा उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड ही होता है वहां पे वो क्या रहेगा उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा दैट मींस वो क्या रहेगा वहां पे साइन जो रहेगा उसका पॉजिटिव रहेगा डेल एच का वैल्यू। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड इसको भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। इसको कॉपी करो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका बहुत ज्यादा यूज रहेगा यहाँ तो है ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये सब पॉइंट अगर याद रखते हो इसमें जब भी स्टेटमेंट वाला आता है तो शायद क्वेश्चन कर सकते हो वहां पर। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हो रहे हैं सर। हाँ बताओ सर आपने वो डेल एच के बाद में कुछ बताया सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। डेल एच यहाँ पे क्या है डेल एच मतलब देखो एनर्जी आ रहा है यहाँ पे और इजी का मतलब क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेनिंग एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी को मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डेल एच इजी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेनिंग एनर्जी में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी को मतलब क्या लिखा है यहाँ पे डेल एच इजी। तो ठीक है यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको कौन डिफाइन करोगा सब लोग पढ़े होगा टेंथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताओ कोई बताओ इसमें इसका डिफिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसको चैट बॉक्स में बता रहा हूँ इसे
बट सिंपली हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन क्या आता है. इट इज अ रिलेटिव टेंडेंसी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a relative tendency of an atom. Relative tendency of an atom to attract shared electron pair towards itself. सिंपल सा डेफिनेशन है इसका. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ. देखते हैं इसका मीनिंग क्या है. यहाँ पे अब इसमें अगर कोई भी एटम आ रहा है यहाँ पे, ये भी कोई मॉलिक्यूल आ रहा है यहाँ पे है, और हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं इस केस में कि बी जो आ रहा है बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा है. किसका ज्यादा हो आगे वो देखेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. और इसमें शॉर्ट में लिखता है यहाँ पे ई एन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या लिखेंगे यहाँ पे ई एन. एन को नीचे लिख सकते हो या साथ में लिख सकते हो इस टाइप से यहाँ पे ई एन, बट मुझे एन को नीचे लिखते हैं आप ई एन. B is more electronegative than A. ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसमें A और B कौन सा एलिमेंट आ रहा ज्यादा है. वो क्या होता है, रिलेटिव टेंडेंसी है ऑफ एन एटम टू इलेक्ट्रॉन पेयर. ये जो बॉन्ड बन रहा है इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, लेकिन कौन से बॉन्ड कौन सा पे है, वो क्या करेगा इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे. दैट मींस इस एरो का यूज करता है यहाँ. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है. मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ड अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, अपने तरफ ये अट्रैक्ट करता है यहाँ. और जब बी एटम अपने तरफ इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, दैट मींस इसका जो ओरिएंटेशन होगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर का वो बी की तरफ ज्यादा रहेगा यहाँ. तो B पे कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे है, पार्शियल नेगेटिव. कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसमें सिर्फ अट्रैक्शन हो रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का, इस पे पार्शियल नेगेटिव. और इस A पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव. जितना इस पे पार्शियल नेगेटिव उतना इस पे क्या रहेगा यहाँ पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो पाएगा. अब देखते हैं ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, बोलते हैं कि इस पे क्या हो रहा है नेगेटिव डायपोल. इसमें वर्ड भी क्या यूज करते हैं यहाँ पे है नेगेटिव डायपोल. सर वो सिंबल पार्शियल का है क्या, चार्ज आ रहा है इसको लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव डायपोल. हाँ कुछ पूछ रहे हो बताओ. सर वो सिंबल पार्शियल का है क्या, बिल्कुल ये क्या जब मैं डेल्टा टाइप का लग रहा है तो मैं ये क्या होता है पार्शियल का. हम लोग क्या रीड करते हैं पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव. ये सिंबल किसके लिए यूज करते हैं, पार्शियल के लिए, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव. यही जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव डायपोल. और ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है इसको क्या बोलते हैं लोग, पॉजिटिव डायपोल. यहाँ पे मैं एज्यूम किया मैं कहा जहां कहीं भी इस टाइप से आ रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं लोग. यहाँ पे मान लेते हैं कि सेमी एटम एच और एच, का वर्ड यूज करते हैं होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल. डायटोमिक तो है दो एटम आ रहा है यहाँ पे, बट इसमें होमो आ रहा है यहाँ पे, होमो डायटोमिक सेमी एटम का ये आ रहा है यहाँ. इसमें देखना कि किसी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होगा ज्यादा नहीं हो पाएगा, जितना इसका एच का होगा उतना ही इस एच का होगा. वैल्यू क्या होगा वो आगे देखेंगे हम, बट यहाँ पे दोनों का जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होगा वो सेमी रहेगा. और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अगर सेमी आ रहा है यहाँ पे, इस पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा यहाँ पे, कोई पार्शियल पॉजिटिव कोई भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा. जबकि एक एग्जांपल इस टाइप से मैं लूं यहाँ पे
HCl। अब यहाँ पे टू डिफरेंट एटम आ रहा है, हेटरो डायटोमिक मॉलिक्यूल आ रहा है, इसमें अगर एच और सीएल की बात करता है यहाँ पे, इस केस में जो क्लोरीन है यहाँ पे वो आगे हम देखेंगे अभी जस्ट वैल्यू किसका ज्यादा रहेगा किसका कम होगा, बट क्लोरीन एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होता है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू एच। तो इसमें जो साइन दिखाता है, ये जो एरो का डायरेक्शन दिखा रहा है, वो किसकी तरफ दिखाते हैं, जिस भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ग्रेटर होगा। यहाँ पे अगर सीएल का ग्रेटर है, जो आगे हम देखेंगे भी कैसे रहता है सीएल का ग्रेटर, जिसका अगर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ग्रेटर है उसी तरफ ये साइन रहेगा। और इस साइन का मीनिंग क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसका अट्रैक्शन क्लोरीन की तरफ ज्यादा रहेगा यहाँ पे। और ये अगर एरो दिखा रहे हैं तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, माइनस पार्शियल नेगेटिव, इसको क्या बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव। और एच पे क्या चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव। ये चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है बस उतना यहाँ पे अभी समझना है, जिस भी एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का वैल्यू ग्रेटर होगा उस पे पार्शियल नेगेटिव, जिसका लेस होगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव। इसका ग्रेटर लेस हो तो अभी आगे देखना है। और इसी के बेसिस पे हम कंक्लूजन भी बताते हैं यहाँ पे है, ये जो एच और एच है इसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पाया, जबकि यहाँ पे HCl में चार्ज डेवलप हो रहा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, मान लो इसका जो भी वैल्यू आगे हम देखेंगे भी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3 रहा था और इसका 2.1, और यहाँ पे जो वैल्यू इसका भी 2.1 आगे आएगा वो कैसे आता वैल्यू उस पर अभी ध्यान देना है, और इसका भी 2.1, ये क्या रहा था 2.1 और 3। इसमें जो दोनों एटम के बीच का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वो जीरो नहीं आ रहा हो, कुछ ना कुछ वैल्यू हो, इसमें डिफरेंस क्या रहेगा तुम्हारा 0.9। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो क्या रहता है 0.9। ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है उसको अभी नहीं देखना, वो आगे हम देखेंगे अभी। ये क्या आ रहा है इसमें 0.9, जीरो नहीं है वो। और ऐसा जब कंडीशन हो कि दो एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो, वो जो मॉलिक्यूल आता है उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। वो क्या रहेगा वहां पे पोलर मॉलिक्यूल। जबकि अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, वो अगर इक्वल टू जीरो आ जाता वहां पे है, वो क्या रहता है वहां पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जैसे कि H2 की बात करें यहाँ पे, H2 मॉलिक्यूल जो आ रहा है यहाँ पे ये कैसा मॉलिक्यूल होगा, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर, नॉन पोलर। सिंपल सा लॉजिक है ये कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा जीरो, ये भी 2.1, ये भी 2.1। और पोलर का मतलब क्या होता है कि पोलरिटी डेवलप होना, और पोलरिटी मीनिंग क्या होता है, चार्ज डेवलप होना बेसिकली, वो जिसमें चार्ज डेवलप हो रहा है कुछ ना कुछ। ये चार्ज क्यों डेवलप हो पा रहा है यहाँ पे, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका उनको वैल्यू ज्यादा उसमें पार्शियल नेगेटिव और इसका पार्शियल पॉजिटिव। सर हाँ बताओ सर, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स तो सारे नॉन पोलर होंगे ना सर? अब कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर भी तो कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है तुम्हारा, इसमें HCl पोलर आ रहा है यहाँ पे, ये कैसा होगा, ये नॉन पोलर है जबकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कुछ ना कुछ, ये कैसा मॉलिक्यूल होगा तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूल। तो वो आयनिक बॉन्ड नहीं है कैसा HCl? आप फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो? HCl आयनिक बॉन्ड होता है ना? नहीं, H और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है तुम्हारा, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू सर। सर वो उसे डेटिव बॉन्डिंग कहते हैं ना? आप फिर से बताओ क्या पूछ रहे हो? सर उसे ही कहते हैं क्या डेटिव बॉन्ड? नहीं, ये डेटिव बॉन्ड नहीं है, डेटिव बॉन्ड तो अलग आता है, दोनों पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में आएगा। ये मैं कोई बॉन्ड नहीं दिखा रहा यहाँ पे, ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये कोई बॉन्ड नहीं है। डेटिव बॉन्ड का जो डायरेक्शन रहता है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो उस तरीके का होता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपली डायरेक्शन दिखा रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है
उसका डायरेक्शन किसकी तरफ रहेगा, ओरिएंटेशन किसकी तरफ रहेगा, किसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, किस एटम की तरफ, जिसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी तरफ ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टेड होगा। बस ये देखना चाहिए, डेटे बाउंड नहीं है यहाँ पे, वो आगे आता है। यस सर, थैंक यू सर। सर ठीक है, ये तुम लोग बेसिक चीज देख रहे थे, बस हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डेफिनेशन था उसको बस समझ रहे थे यहाँ पे। जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव, उस पर पार्शियल पॉजिटिव, और इसी के बेसिस पे हम लोग एक लॉजिक और यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर नॉन जीरो आ जाए वो क्या रहेगा, पोलर मॉलिक्यूल, और अगर जीरो आ जाए डिफरेंस किसी भी दो एटम के बीच का तो क्या रहेगा, वहां पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो H2 क्या आ रहा है कि यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिसाइड करने के लिए एक और भी टॉपिक रहता है जो कि आगे तो केमिकल बॉन्ड में पढ़ेंगे, डायपोल मोमेंट, तो फिर अलग पार्ट रहेगा वहां पे। अभी जो देखना है सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अगर बताना हो तो जब भी कोई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दैट मींस दो एटम प्रेजेंट है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पता चल जाए इलेक्ट्रॉन डी का, हम लोग बता पाएंगे कौन सा पोलर और कौन सा नॉन पोलर आ रहा है। तो कॉपी करो फिर आगे देखते हैं इसमें भी हम लोग। अब देखना यहाँ पे एक पॉइंट और भी इसमें रहता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसे रिलेट कर पाएंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोथ मेजर द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग स्पेसीज। Both measure the electron affinity and electronegativity. Both measure the power of attracting species. Electron affinity and electronegativity both measure the power of attracting electron. बट इसमें कोई डिफरेंस होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, हम लोग डिफरेंस क्रिएट करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है किसी एटम पे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एक रिलेटिव टेंडेंसी होता है यहाँ पे, वो कम्प्लीट इलेक्ट्रॉन का कम्प्लीट ट्रांसफर नहीं हो जाता है यहाँ पे, सिर्फ ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स है उसको यहाँ पे नोट डाउन करना था, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे। बट स्टेप्स लिख लो यहाँ पे, बट फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड फॉर सिंगल एटम, डिफाइंड फॉर सिंगल एटम, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड इन बाउंडेड एटम। इस पॉइंट का मीनिंग देखना है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो किसके लिए डिफाइन होता है, किसी भी एक सिंगल एटम के लिए वो डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइंड होता है वो किसके लिए होता है, बाउंडेड एटम। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डेफिनेशन वेरिएट करोगे, ये क्या था, इट इज अ रिलेटिव टेंडेंसी, एक रिलेटिव टेंडेंसी होता है, किसी एक एटम पे नहीं होता है वो। एक यहाँ पर हम HCl की बात करें, यहाँ पर हम इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं किसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, ये क्या आगे रिलेटिव टेंडेंसी हो गया। ये बॉन्डेड एटम के केस में देखते हैं यहाँ पे, जब एटम क्या होगा बॉन्डेड, तो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी एक सिंगल एटम की
सिंगल एटम में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगा वहां पर। ये बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे इसमें ये क्या होता है, एक ये कोई आ रहा गैसियस फेज में यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन को जब एड किया जाता है ये क्या बन जाएगा, ए माइनस। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन को एड किया जा रहा है, बट लेकिन HCl अभी एग्जाम्पल ले रहे थे, इसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है कि क्लोरीन की तरफ इस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर का अट्रैक्शन होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो जाता यहाँ पे। एक बस पॉइंट है इसको याद रखना था यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एन एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म एंड इट हैज अ प्रॉपर यूनिट, प्रॉपर यूनिट, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इज अ रिलेटिव कंसेप्ट एंड हैज नो यूनिट। ये भी एक पॉइंट है इसमें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है कि एब्सोल्यूट टर्म है, दैट मींस किसी एक सिंगल एटम के लिए बात करते हैं, और उसका प्रॉपर यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, बेसिकली एनर्जी, एनर्जी रिलीज होता है, और जो भी एनर्जी है उसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है। तुम लोग पढ़ चुके हो यूनिट डायमेंशनल फिजिक्स में, एनर्जी का एक प्रॉपर यूनिट होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो क्या होता है, रिलेटिव कंसेप्ट होता है। वो क्या होता है, रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या होता है, जब रिलेटिव कंसेप्ट है जिसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो एक बेसिक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें से कौन सा यूनिट लेस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी का प्रॉपर यूनिट होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड या रिलीज हो रहा होता है, उसका प्रॉपर यूनिट रहेगा वहां पर। ये कुछ बेसिक डिफरेंस आ रहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको याद रखना था। नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कि हम लोग देख रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अलग अलग फैक्टर, इसी तरीके का यहाँ पर भी फैक्टर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी। फर्स्ट है इसमें यहाँ पर भी साइज, सबको साइज के साथ जनरली क्यों रिलेट करते हैं, क्योंकि साइज का ऑर्डर जो भी ऑर्डर आता है सबको पता होता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, तो जनरली वो हर केस को साइज से रिलेट कर पाते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इसका भी देखेंगे जब लोग आगे आएगा, अभी सबको एक साथ में इसका एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। सेकेंड फैक्टर आता है इसमें जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। दो पॉइंट को कॉपी करना यहाँ पे, फिर नेक्स्ट फैक्टर आएगा, फिर एग्जांपल भी इसका एक साथ देखेंगे यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन आ रहा था रेड बॉक्स में, सर पार्शियल क्यों, तो पार्शियल अब देखो यहाँ पे इस केस में अगर ऐसा होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग NaCl पे दिखाते हैं चार्ज, तो NaCl जो आयनिक बॉन्ड होता है, जो पढ़े होंगे तुम लोग कि Na का एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है Cl के पास, दैट मींस में Cl माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो HCl में क्या होगा यहाँ पे,
इसमें इस एस का एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट इस पे चला जाता तो फिर ये बाउंड ही नहीं रहेगा, ये क्या हो जाता नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पर लोग पार्शियल पीरियड चार्ज इसलिए दे रहे हैं, उसका कुछ पार्ट उसके अट्रैक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्लोरीन की तरफ रहेगा, दैट मीन्स पार्शियल। ये तो सिंपल सा लॉजिक था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा देन कंप्लीट नेगेटिव एंड कंप्लीट पॉजिटिव। पार्शियल इसलिए दिखा रहे थे वहां पे क्योंकि सिर्फ उसमें अट्रैक्शन होता है क्लोरीन की तरफ, जिस भी एटम का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी तरफ अट्रैक्शन रहेगा वहां पर। अब NaCl जो होता है, NaCl में बात ही नहीं करेंगे वहां पे, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात ही नहीं करते हैं वहां पे। जो हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं वो मेनली किस में बात करेंगे हम लोग वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड में, तब हम लोग उसका रिलेटिव कांसेप्ट देख पाएंगे जो बॉन्डेड एटम होगा, तो मेनली हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड जो रहेगा वही पोलर और नॉन पोलर हो पाएगा, आयनिक में वो यहाँ पे नहीं देखते आयनिक पोलर या नॉन पोलर, तो देखेंगे लोग डिसाइड करेंगे वहां पे कि डिफरेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है यहाँ पे, बट मेनली जो हम लोग डिफाइंड करते हैं यहाँ पे वो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। बाकी जैसे NaCl आयनिक बॉन्ड है इसमें हम बता पाएंगे पोलर या नॉन पोलर है, तो डिफरेंस इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है दैट मींस वो पोलर हो पाएगा चाहे कोई भी बॉन्ड हो, बट मेनली लोग डिफाइन किसमें करते हैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के लिए डिफाइन करते हैं यहाँ पर, जिसमें की पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है यहाँ पे आगे देखते हैं फिर हम इसमें, आई थिंक सब लोग नोट कर लिए होंगे इसको। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें थर्ड फैक्टर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर इसको रिलेट करें वो यहाँ पे इस केस में क्या रहेगा यहाँ पे ए ए प्लस कोई भी एटम हो यहाँ पे ए ए प्लस ए प्लस टू ए प्लस थ्री। अब यहाँ पे इस चारों में कंपेयर करना है मुझे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू किसका ज्यादा रहेगा यहाँ पे, तो सबसे पहले देखना है कि ए ए प्लस ए प्लस टू ए प्लस थ्री इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है यहाँ पे, और जब इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है यहाँ पे तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम होगा उस एटम में उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होगा वो उतना ही ज्यादा रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर का मतलब क्या उसमें प्लस थ्री चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ से थ्री इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अगर आता है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो टेंडेंसी होगा उसका उतना ही ज्यादा होगा वहां पे, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी अगर ज्यादा है दैट मींस उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी वैल्यू क्या होगा वहां पे ज्यादा हो पाएगा। इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहेगा यहाँ पे ए प्लस थ्री ए प्लस टू ए प्लस वन और सबसे लास्ट में ए आ जाता है। सिंपल सा लॉजिक था, इसमें कुछ भी रटना नहीं है। इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होगा जिसका अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसका रहेगा यहाँ पे जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसी का तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी क्या होगा ज्यादा होगा, दैट मीन्स जिस भी एटम या आयंस का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का एक्सेप्ट वर्ड ना यूज करके क्या यूज करो वहाँ पे अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का जिसका टेंडेंसी ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी वैल्यू क्या होगा ज्यादा रह पाएगा ए प्लस थ्री ए प्लस टू ए प्लस वन और ए। और ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग रिलेट करें यहाँ पे फोर्थ फैक्टर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पे इसमें अगर यही सेम क्वेश्चन मैं ले लू इस टाइप से रेंडम सा ए ए माइनस वन ए माइनस टू ए माइनस थ्री, इसमें अगर पूछा जाए यहाँ पे तुमसे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे तो इसको बताओ यहाँ पे a greater than a minus one a minus two a minus three। देखते हैं वो एक क्वेश्चन आ रहा है सर अगर डिफरेंट एटम पे सेम चार्ज आ रहा तो वो कैसे डिसाइड करें, तो वो अभी इस फैक्टर पे बात ही नहीं की इस पे अभी आता है यहाँ पे।
वो सेम एटम पे जब चार डिफरेंट हो जिसकी बात कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन पे आते हैं अभी कि डिफरेंट एलिमेंट पे सेम चार्ज आए तो उसका क्या ऑर्डर रहेगा। हाँ इसमें बताओ क्या ऑर्डर रहेगा, सिंपल सा है। A greater than A minus 1, A minus 2, A minus 3. So, यहाँ पे देखना कि already minus 3 चार्ज है, electron density बहुत ज्यादा है, इसका जो electron accept करने का, जो electron attract करने का जो tendency होगा वो सबसे कम होगा, और जिस भी atom या ion का electron attract करने का tendency कम है, that means उसका electron negativity का भी value कम होगा, क्योंकि definition ही क्या था electronegativity का, it is a negative tendency to attract said electron pair, जिसका electron attract करने का tendency ज्यादा होगा उसके electronegativity का value क्या होगा, greater हो पाएगा। यहाँ पे simple सा logic था, जिसके पास कम electron है, that means यहाँ पे neutral atom है, जिसका electron attract करने का tendency सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे negative charge बढ़ते जा रहा है, that means उसके पास electron ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे anion आ रहा है, negative charge ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो electron को attract करने का tendency कम होता जाएगा। A माइनस वन, A माइनस टू, A माइनस थ्री, हम लोग यहाँ पे रिलेट भी कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, तो ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम पे उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। और इसमें हम लोग क्या रिलेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर, ये रिलेशन होगा नेगेटिव चार्ज के साथ, वो क्या रहेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू उतना ही कम होगा वहां पे। सर इसी के बेसिस पर एक रिलेशन निकाला यहाँ पे, बट ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेम एटम पे नेगेटिव चार्ज का, यहाँ पे हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखना है अभी, ये सेम एटम पे जब नेगेटिव चार्ज वेरी करे या फिर पॉजिटिव चार्ज, उसके साथ ये रिलेशन रहता है, और ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग उसमें बहुत ज्यादा इस दोनों रिलेशन का यूज आता है वहाँ पे। तो इसको कॉपी करो फिर आगे देखना भी हम लोग यहाँ पे। फिफ्थ फैक्टर है यहाँ पे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या सिंपली हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक नया टर्म आता है हाइब्रिडाइजेशन, बट हम लोग कुछ ऑर्गेनिक में नेम तो सुन चुके हैं क्या होता है, तो डिटेल हम लोग केमिकल बॉन्ड में पढ़ना है, बट हाइब्रिडाइजेशन जो टर्म आ रहा है तो कार्बन का कितना हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, तो मेनली थ्री हाइब्रिडाइजेशन, एसपी, एसपी टू और एसपी थ्री, ये तीन हम लोग टर्म पहले भी सुन चुके हैं, एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन, एसपी और एसपी थ्री, यहाँ भी वही रहा था स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और एक क्वेश्चन सिंपल सा यहाँ पे बताओगे इसमें, एसपी किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन एसपी आ रहा है, sp2 आ रहा है और किसी का sp3 आ रहा है यहाँ पे, तो sp में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, तो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कितना होगा यहाँ पे, परसेंटेज s कैरेक्टर बताना है, 50 परसेंटेज s कैरेक्टर 50, एक s और एक p ऑर्बिटल है, s कैरेक्टर कितना होगा इसमें 50%, इसमें एक एस और दो पी ऑर्बिटल आ रहा है, एस का परसेंटेज क्या होगा इसमें, 33.33, सब लोग बता सकते हो 33.3, सिंपल सा परसेंटेज क्या है कि एक एस और टू पी, एस का परसेंटेज क्या होगा यहाँ पे 33.33%, इसमें एक एस और एक पी, दैट मींस 50%, एस पी थ्री में एस कैरेक्टर कितना होगा, 25 सिंपल सा परसेंटेज, ये क्या आ रहा था 25%। अब एक यहाँ पे पॉइंट है, ये तो परसेंटेज निकाल लिया यहाँ पे है, अब एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जितना ज्यादा परसेंटेज होगा वहाँ पे
greater the percentage of s character is the perfect point. Greater the percentage of s character. Greater will be electronegativity value. Greater the electronegativity. अब यहाँ पे इसका रीजन क्या है इस पॉइंट में कि एस कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्यों ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, तो सिंपल सा लॉजिक है कि एस जो होता है न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज होता है एस कंपेयर टू पी। अगर एक ही ऑर्बिट में एस भी और पी भी है, एस जो ऑर्बिटल रहेगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहता है एस, और ज्यादा क्लोज होने के चलते उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो उसका अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ वो ज्यादा हो जाएगा, और उसका अट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है दैट मींस उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा ज्यादा हो पाएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा वहां। फिर से रिपीट करता हूं यहां पे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा रहेगा वहां, और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है दैट मींस वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा अट्रैक्ट कर पाएगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना यहाँ पे कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू उतना ही ज्यादा, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रह पाता है जिसके चलते उसका अट्रैक्शन ज्यादा हो पाता है वहां पे। अब हम लोग मान लेंगे कि किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा हो, किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा हो, और किसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा हो। मैंने ये तीन चीज पहले बताया भी है sp, sp2 और sp3। ये होता क्या एक्चुअल में तो हम लोग जस्ट इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा केमिकल बॉन्डिंग उसमें देख पाएंगे हम लोग वहां पर। बट यहाँ पे देखने के अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो कार्बन और sp3 आ रहा हो, तो तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू किसका ज्यादा होगा वो कैसे बताएंगे। एसपी में एस कैरेक्टर ज्यादा है दैट मींस इसका इलेक्ट्रॉनिटी का वैल्यू ज्यादा रहेगा ईएन का। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है यहाँ पे है वो भी बस अभी नोट करके लिख छोड़ दोगे। यहाँ पे जो एसपी होता है इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेसिकली है, ये वैल्यू होता है 3.25 ये क्या रहेगा 3.25, इसके लिए जो वैल्यू रहता है 2.75 और इसके लिए जो वैल्यू रहता है 2.5, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू है। तो वैल्यू यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं है, बट ये तीन ही इसको याद रख सकते हो क्योंकि देख रहा हूँ कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हैं और कार्बन का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बोलते ही हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, कार्बन का ही केमिस्ट्री है पूरा। वो क्या रहेगा इसमें sp का सबसे ज्यादा देन sp2 देन sp3 बिकॉज ऑफ मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। और ये वैल्यू भी अगर याद रखना चाहो तो ध्यान रखोगे यहाँ पे 3.25, 2.75 और 2.5। बिल्कुल हम लोग यहाँ पे कार्बन के लिए देख रहे हैं यहाँ पे हमको, बाकी दूसरा आइटम आएगा तो आगे फिर देखेंगे, यहाँ पे हम लोग मेनली कार्बन को देखना। बाकी जब आगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन दूसरे आइटम के लिए भी पढ़ लेंगे, अभी हम लोग किसका हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कुछ पढ़े हैं सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम लोग पढ़े हैं वहां पे कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बेसिस पे। बिल्कुल ये जो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं किसका है sp कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू यहाँ पे नहीं, सिर्फ कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए अगर सेंट्रल एटम आ रहा है तो उसके लिए हम लोग डिफाइन कर पाएंगे वहां पे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन एक नया ही टॉपिक है, उसमें 2 से 3 लेक्चर सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में लगेगा वो जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ कार्बन का याद रखना है आपको। ये जो वैल्यू लिख रहे हैं किसका वैल्यू है एसपी कार्बन, अगर कोई कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन एसपी आ रहा है उस कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू क्या है 3.25, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू।
सर ठीक है, हम लोग कुछ फैक्टर देख रहे थे यहाँ पे। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर जो आपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकाला या आपने HCl में जो लिया हुआ था वहां पे वैल्यू, ये वैल्यू आता कहाँ से है, हम लोग उसकी बात करते हैं यहाँ पे। ये वैल्यू निकालने के लिए दो स्केल दिया गया, पॉलिंग स्केल और एक मुलिकेंस स्केल, तो वो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। आई थिंक यहाँ तक कॉपी कर रहे होंगे सब लोग। अब यहाँ पे जो पॉइंट आता है कि सर ये जो वैल्यू आता है यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पे वो कैसे निकालता है, यहाँ पे डिफरेंट स्केल ऑफ मेजरमेंट निकालो यहाँ पे। डिफरेंट स्केल ऑफ मेजरमेंट अलग टॉपिक है या स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबका पीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट कैसे आता है वहां पे, उसके लिए अलग अलग स्केल दिया गया यहाँ पे। फर्स्ट स्केल है यहाँ पे पॉलिंग स्केल, अब यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, फार्मूला कहाँ से आता है वो नहीं देखना, बट एक फार्मूला आता है यहाँ पे है और वो भी रिलेटिव इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आता है। पॉलिंग स्केल यहाँ पे डेल एक्स ए माइनस एक्स बी देख लोगे पहले इसको यहाँ पे, एंड इसमें जो फार्मूला आता है यहाँ पे 0.208 ई ए बी माइनस ई ए ए एक ये फार्मूला आता है यहाँ पे। अब ये एक्स ए एंड एक्स बी क्या रहा है यहाँ पे है, एक्स ए एंड एक्स बी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बेसिकली। इसका मीनिंग क्या, मान लो कि कोई ए बी मॉलिक्यूल है, इसके बीच का जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डे रहेगा उसी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे है, डेल ई एन लिखो यहाँ पे है, या फिर इसी को हम लिखते हैं कि अगर ए बी मॉलिक्यूल आ रहा है इसके बीच का अगर डिफरेंस दे रहा है एक्स ए माइनस एक्स बी, इस फार्मूले से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाता, वो हम रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं ए और बी में जो वैल्यू आएगा वो क्या रहेगा वहां पे रिलेटिव वैल्यू। अब यहाँ पे ई ए बी क्या आ रहा है यहाँ पे है, ई ए बी जो आता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी मॉलिक्यूल, ई ए क्या रहता है यहाँ पे है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए टू मॉलिक्यूल, दैट मीन्स ए के बीच में अगर बॉन्ड हो, एंड बी और बी क्या आ रहा है यहाँ पे है बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी एंड बी। अब इसमें एक टर्म आ रहा है सर बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, तो ए बी जो बॉन्ड आ रहा है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे इसी को क्या बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, क्लियर है यहाँ पे है। ये बॉन्ड एनर्जी टर्म क्या है, अब जब यहाँ बोला जा रहा है कि ए बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, यहाँ पे कोई अगर दो एटम ए और ए आ रहा है यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वहां पे इसको क्या बोल रहे बॉन्ड एनर्जी, और बी का जो आ रहा है यहाँ पे है तो बी एंड बी को इस बॉन्ड को जो ब्रेक करने में एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको क्या बोल रहे यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी एंड बी। बी एंड बी का मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे है बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी एंड बी, दैट मीन बी टू मॉलिक्यूल का। अब देखने का अपने को ये फार्मूला के बेसिस पे है क्योंकि ये वैल्यू पता होना चाहिए यहाँ पे और ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहता है कि इस ए बी बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लगेगा,
तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चल पाता है। मुझे यहाँ पे ये फार्मूला नहीं देखना है, बस फार्मूला ध्यान में रखना है, इसका कैलकुलेशन हम लोगों को नहीं पढ़ना कि कैलकुलेशन कैसे होता है। बट इसी पॉलिंग स्केल के बेसिस पे ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कुछ एटम का दिया गया है ऑलरेडी निकाल के, वो हम लोगों को ध्यान में रखना रहेगा यहाँ पे, ये फार्मूला नोट करो। और इसी पॉलिंग स्केल के बेसिस पे ही कुछ एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया गया वहां पे, उसको हम लोगों को याद रखना है यहाँ पे। देख यहाँ पे कुछ एटम की बात करूं मैं, यहाँ पे फ्लोरिन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको अगर साइज के साथ रिलेट करो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू किसका होगा यहाँ पे? क्लोरीन। क्लोरीन सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रहेगा वो किसके लिए रहेगा यहाँ पे? क्लोरीन का, साइज के साथ अगर रिलेट करते हैं। एक पॉइंट ये भी याद रखोगे कि साइज का जो रिलेशन होता है, हम जो तीन अभी पॉइंट तीन टॉपिक पढ़े थे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों का रिलेशन साइज के साथ क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरीके से याद रखना है। तो साइज के साथ अगर रिलेट करें तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा यहाँ पे? फ्लोरीन का। और एक्चुअल में जो वैल्यू आता है पॉलिंग स्केल पे, ये जो वैल्यू लिख रहे हैं वो यहाँ पे है, वो क्या रहता है? पॉलिंग स्केल पे ही। तो सबसे ज्यादा जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रहता है वो क्या रहता है इसमें? फोर। अब ये फोर वैल्यू कहाँ से आता था? इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे दिया गया है पॉलिंग स्केल पे ही। क्लोरीन का जो वैल्यू होता है 3, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5, फिर उसी तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरन, बेरिलियम और लिथियम। अब यहाँ पे अगर सोचोगे कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है इसमें? डिक्रीज करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होगा इसमें? इंक्रीज करना चाहिए, ये इंक्रीज करता भी है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का जो वैल्यू रहता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि पॉलिंग स्केल पे निकाल के बताया गया मुझे कहीं, तो वैल्यू बस ध्यान रखना यहाँ पे 3.5, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 2.5, बोरन का 2, बेरिलियम का 1.5 और लिथियम का 1। और देखो वैल्यू याद रखना भी आसान है सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए। और जब सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए वैल्यू अगर देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्लोरीन का क्या रहा है इसके इसमें? 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3। तो यहाँ पे देखोगे कि 0.5 कम होते जा रहा है सबका, 4, 3.5, 3, 2.5, बोरन का 2, बेरियम का 1.5, तो 0.5 डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। दैट मीन जो साइज के साथ हम लोग रिलेशन देख रहे थे वो करेक्ट आ रहा है यहाँ पे। इसके अलावा सल्फर, बाकी इतना ही याद रखना है तुम लोगों को यहाँ पे। और इसके अलावा एक हाइड्रोजन का अलग से, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है वो क्या रहता है इसमें? 2.1। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही है। इसके अलावा सल्फर का भी ध्यान रख सकते हो, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और ये बेरिलियम। अब इसमें जो वैल्यू होता है ये भी डिक्रीज करता है यहाँ पे। दैट मीन्स क्लोरीन का 3, इसका जो वैल्यू आ जाता है यहाँ पे 2.5 के अप्रोक्स, ये जो वैल्यू आता है तुम्हारा यहाँ पे 2.1, 1.8, एल्युमिनियम का जो वैल्यू आता है इस केस में 1.5, 1.2, 0.9। अब ये वैल्यू मुझे कहाँ से आ रहा है? वो पॉलिंग स्केल पे निकाल के दिया गया है, मुझे कुछ ये याद रखना है यहाँ पे। तो जो वैल्यू याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेनली, तो इतना याद रखना है यहाँ पे तुम्हें। सर ये XX भी क्या है? आप फिर बताओ इसमें क्या बोल रहे हो? सर वो XX भी क्या है? तो जो AB यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये दोनों सेम आ रहा है। जो AB मॉलिक्यूल होता है उसके बीच का डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ से निकालते हैं। XA माइनस XB का मीनिंग क्या है कि AB मॉलिक्यूल के बीच का जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसको हम डेल EL लिख रहे हैं, या उसी पॉल क्या लिखता हूँ XA माइनस XB, तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एंड भी। मान लो कि ये AB क्या है? HCl है,
इसके बीच का जो डिफरेंस इलेक्ट्रॉन पेयर आता है उसी को ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालता है, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका रिलेटिव वैल्यू क्या आता है वो यहाँ पे फाइनली निकाल के बताया गया है, उसके बेसिस पे उसका एग्जैक्ट वैल्यू दिखाया गया, इस फार्मूले से रिलेटिव वैल्यू पता चल पाता है। और बहुत सारे एलिमेंट का देखिए HCl है, इसके अलावा H2 मॉलिक्यूल या HBr, इसका जब कैलकुलेशन किया गया है इसके बेसिस पे इसका कुछ एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया यहाँ पे। ये एक्स माइनस एक्स भी क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ठीक है, यहाँ तक कॉपी करो इसको, यहाँ पे है सर। हाँ बताओ सर, वो क्लोरीन का तो ज्यादा होता है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऐसे कैसे आया सर इस पोटेंशियल? नहीं, सबसे ज्यादा किसका रहता पड़े होगे तो सबसे ज्यादा पूरे पीरियड टेबल में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन वैल्यू रहता है, वो क्या रहता है 4, क्लोरीन का क्या रहेगा 3, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5। तो पूरे पीरियड टेबल में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव का वैल्यू सबसे ज्यादा, यहां पर लिख भी सकते हो ये पॉइंट, क्लोरीन है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन होल पीरियड टेबल, पूरे पीरियड टेबल में क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन वैल्यू रहता है वो सबसे लार्जेस्ट रहेगा। ये वैल्यू बस इतना याद रखना है, सात वैल्यू में बता रहा हूँ यहाँ पे कि क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का याद रखना यहाँ पे है, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन, और कार्बन का मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 2.5, बट उसका जब हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है तो वैल्यू चेंज हो सकता है, कि हम लोग इसका ले रहे हैं यहाँ पे sp3 कार्बन एज्यूम करके ये वैल्यू 2.5 ले रहे हैं यहाँ पे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कार्बन का तो अलग अलग होता है, ये sp3 कार्बन का हम लोग एज्यूम करके ले रहे हैं कि 2.5 हो गए। यस सर, थैंक यू सर। तो ठीक है, यहाँ पे अब इसमें क्वेश्चन आ रहा है सर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड ए बी, नहीं जीरो नहीं रहेगा, वो डिफरेंस नहीं रहे हम लोग यहाँ पे, कहीं भी कोई अगर बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे ए एंड ए, इसको ब्रेक करोगे कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि अपने आप ब्रेक हो जाएगा सर, वो तो सेम एलिमेंट्स होंगे ना, सेम एलिमेंट है बट अगर ये फॉर्म हो रहा है बॉन्ड यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी यहाँ पे ब्रेक होगा। ये हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा से ये सेम एटम के बीच में तो फिर वो जीरो होगा, बट अगर बॉन्ड फॉर्म हो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगा, जीरो नहीं होगा। तो ठीक है, और भी कुछ डाउट हो यहाँ पे, ये जो पॉलिंग स्केल पे ये फार्मूला बस ये थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे है, बाकी इस पे कैलकुलेशन नहीं देखना है हम लोगों को बिल्कुल भी, कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और इसी पॉलिंग स्केल के बेसिस पे ये कुछ मुझे वैल्यू निकाल के दिया गया है, बस वो ध्यान रखना रहेगा यहाँ पे। और जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ बस यही 5-7 वैल्यू ध्यान रखना है यहाँ पे, मेनली इसको भी याद रख सकते हो, मैंने रेफरेंस के लिए लिख रखा यहाँ पे है, बट मेनली इसको याद रखना रहेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, बाकी इसमें बस कुछ नया नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी फिनिश हो चुका है, इसमें एक टर्म बस 2 मिनट का है मुलिकेंस स्केल, इस क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे। तो तुम लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, जो एक्सरसाइज 1 है उसमें 2 सेक्शन और ऐड कर लोगे, दैट मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सेक्शन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेक्शन, बट अभी तक मॉड्यूल नहीं मिला तुम लोगों को हार्ड कॉपी में, हम लोग डिस्कशन भी इस क्लास से कुछ ना कुछ डिस्कशन भी कर पाएंगे यहाँ पे, वैसे एक दो लेक्चर और पढ़ना है इसमें लोगों को इस पीरियड टेबल में, बट हम लोग डिस्कशन भी अभी स्टार्ट कर पाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे हम लोग sp3 ले रहे हैं यहाँ पे है। sp2 लेते तो उसके अलग वैल्यू रहेगा, sp3 इसलिए ले रहे हैं यहाँ पे 2.5, एक सीक्वेंस में वो याद भी रह जाए यहाँ पे, और अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो उसका उसके लिए वैल्यू मैं अलग से बता ही चुका हूँ वहाँ पे, एक सीक्वेंस में आ जाए sp3 ले रहे हैं यहाँ पे दैट मीन्स 2.5 हाइब्रिडाइजेशन, अगर अलग अलग आता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि उसका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या रहेगा वहाँ पर। सर ठीक है, फिर मैं अभी सेशन एंड करता हूँ यहीं पे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं सर, बट होमवर्क इसका करना शुरू कर सकता हूँ यहाँ पे सर। हाँ बताओ
सर नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क का डिस्कशन होगा क्या? बिल्कुल, जो पीछे लोग देख चुके थे आयनाइजेशन एनर्जी का, जहाँ तो मैंने पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था वहां तक उसको डिस्कस भी करेंगे हम लोग, सिर्फ एक्सरसाइज वन का। एक्सरसाइज वन में तीन पार्ट अब दे दिया गया है, देखोगे पीरियड टेबल, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। तो पार्ट वन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पार्ट टू में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, और पार्ट थर्ड में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि जेई मेंस में भी इंटीजर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब तीन पार्ट कर दिया गया वहां पे। एक्सरसाइज वन का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री का अप टू आयनाइज्ड एनर्जी का जो सेक्शन है वहां तक, बाकी इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो इस दोनों पार्ट में। यस सर, थैंक यू सर। सो ठीक है, फिर मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूं। फिर बाय सर, थैंक यू, बाय बाय।